अंदर के बाद के साथ मैं हूं अनवी। गुजरात के मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई। इसके साथ ही शुक्रवार से बारिश की तीव्रता कम होने की उम्मीद है। कौन से दो जिले में अभी भी बारिश मचा सकती है कहर, मौसम की कुल कितनी दर्ज हुई बारिश, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक कच्छ और मोरबी में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। शुक्रवार से बारिश की तीव्रता कम होने की उम्मीद है। गुजरात में सीजन की 110% बारिश हो चुकी है। अगले दो दिन तक प्रदेश में बारिश का मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग ने कच्छ, जामनगर, पोरबंदर और देवभूमि द्वारका में येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि कच्छ और मोरबी दो जिले में रेड अलर्ट दिया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि राजस्थान में एक डिप्रेशन बना है जो उत्तरी हिस्से में चला गया है, जिसके कारण इसका असर गुजरात के सौराष्ट्र पंथक और कच्छ में देखने को मिलेगा। अहमदाबाद में अगले दो दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कल जो साउथ राजस्थान पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था, वो आज शिफ्ट होके ये साउथ वेस्ट राजस्थान पे आ गया है, जिसके कारण जो गुजरात रीजन के और मतलब सौराष्ट्र रीजन के जो जिले हैं जहाँ पे मतलब एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने के चांसेस हैं, वो कच्छ और द्वारका, कच्छ और मोरबी है। और जहाँ पे मतलब वेरी हैवी रेनफॉल होने के चांसेस है, वो जिले हैं आपके द्वारका, पोरबंदर, जामनगर और राजकोट। गुरुवार को कच्छ, मोरबी में रेड अलर्ट और बनासकांठा, पाटन, सुरेंद्रनगर और जूनागढ़ में येलो अलर्ट दिया गया है। मौसम विभाग ने भी बारिश की मात्रा में कमी की भविष्यवाणी की है, क्योंकि शुक्रवार से दबाव का असर कम हो जाएगा। लंबे अंतराल के बाद कच्छ जिले में बारिश के कारण किसान काफी खुश देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कुछ जगह पर लगातार बारिश के कारण किसानों की फसल को नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। बिल्कुल, लेकर राज्यसभा में दिए मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर घमासान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्यों जताई आपत्ति, देखते खास रिपोर्ट में। संसद के स्पेशल सत्र के दूसरे दिन राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से महिला आरक्षण बिल पर साथ आने की अपील की। पीएम मोदी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में बोलने का मौका दिया गया। इस दौरान खड़गे ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। उनके इस बयान पर राज्यसभा में हंगामा हो गया। सभी पॉलिटिकल पार्टी की एक आदत है कि महिला बोले तो कमजोर महिला को दे देते हैं, जो सक्षम है, जो लड़ सकती है। अरे सुनो, तुमको अरे अरे आप टिकट 1/3 टिकट देते हो। ऑल पार्टीज चूज विमेन हु आर नॉट अफेक्टेड इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द्रौपदी मुर्मू जी इज एन एम्पावर्ड वुमन। इसके बाद सभापति ने आपत्ति दर्ज कराने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बोलने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कहना कि पार्टी महिलाओं को तवज्जो नहीं देती है, यह गलत है। पार्टी ने हम सभी को मौका दिया है, मैं आपत्ति दर्ज करवाती हूँ, आप जनरलाइजेश नहीं कर सकते। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पिछड़ी शेड्यूल कास्ट महिलाओं को मौका नहीं मिलता है, जैसा इनको मिला है यही हम कह रहे हैं। इसके बाद खड़गे ने कहा कि मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि हमने लगातार महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है, 2010 में इसे पास कराने की कोशिश भी की। संसद लोकतंत्र का मंदिर है। ब्यूरो रिपोर्ट। राष्ट्र की राजनीति में फिर से हलचल देखी जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिवसेना विधायकों की अयोग्यता केस की सुनवाई शुरू कर दी है। जानिए इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया कि वह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके प्रति वफादार शिवसेना विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले के लिए समय सीमा के बारे में एक सप्ताह के भीतर बताए। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारडीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, ऐसा अनिश्चित काल तक नहीं चल सकता, हमें समय सीमा के बारे में बताएं। उच्चतम न्यायालय के महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर उच्चतम न्यायालय के 11 मई के फैसले और उचित समय सीमा के भीतर
अयोग्यता याचिका पर फैसला करने के लिए अध्यक्ष को जारी निर्देश का उल्लेख किया। पीठ ने कहा कि अध्यक्ष को उच्चतम न्यायालय की गरिमा का सम्मान करना होगा और उसके फैसले का पालन करना होगा। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से शिंदे गुट के विधायकों सहित 56 विधायकों अयोग्यता की याचिका पर फैसला करने के लिए अध्यक्ष द्वारा तय किए जाने वाली समय सीमा से पीठ को अवगत कराने को कहा। पीठ ने कहा, हम उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशकों के प्रति सम्मान की उम्मीद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। परिणीति और राघव चड्ढा की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। वहीं कपल के कुछ प्री वेडिंग फंक्शन दिल्ली में भी होंगे। फिलहाल दुल्हा दुल्हन के घर पूरी तरह सज गए हैं। कपल की मेहंदी से लेकर चूड़ा और शादी की रस्में कब और कहां होंगी, देखते रिपोर्ट में। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा 24 सितंबर को उदयपुर में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और उनकी शादी को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। एक्ट्रेस और आप नेता की शादी तमाम फंक्शन के साथ पूरी तरह से एक बिग फैट वेडिंग होगी। इसी के साथ परिणीति के घर की झलक सामने आई है, जिसे दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें परिणीति का घर पूरी तरह से लाइट से सजा हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दिल्ली में भी दुल्हे राघव का घर भी शादी के लिए पूरी तरह से सजाया गया है। हालांकि कपल की शादी उदयपुर में होगी, हालांकि मेहंदी सेरेमनी की रस्म दिल्ली में होगी, जिसकी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक परिणीति और राघव चड्ढा का चूड़ा समारोह 23 सितंबर को सुबह 10 बजे से शुरू होगा और उसके बाद दोपहर का वेलकम लंच होगा। परिवार शाम को लेट्स पार्टी लाइफ 90 थीम पर एक ग्रेट पार्टी में शामिल होंगे। ये फंक्शन ताज लेक पैलेस में होगा। 24 सितंबर को परिणीति और राघव द लीला पैलेस में शादी के बंधन में बंधेंगे, जहां शादी की रस्मों के बाद एक रिसेप्शन भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।